चौकन्ने शंकरपुर खिलाड़ी, एक बार फिर से वहां पर शंकरपुर खिलाड़ी बॉल को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे, लेकिन वहां पर फतेहपुर के डिफेंडर की तारीफ करनी होगी जो कि लंबे शॉट के जरिए बॉल को बाहर किया और पहुंचा दिया अपने साथी खिलाड़ी के पास। वहां पर फिर एक बार शंकरपुर के खिलाड़ी 6 नंबर की जर्सी में जो कि काफी लंबे करके खेल रहे हैं, पतले करके खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी के पास बुला दिया, वो 10 नंबर की जर्सी में दूर से गोल पोस्ट में डाल, लेकिन वहां पर मुश्ताद फतेहपुर के खिलाड़ी की तारीफ करनी होगी जो किसी तरह बॉल को अपने क्षेत्र से बाहर किया, लेकिन एक बार फिर से वहां पर प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर शंकरपुर के खिलाड़ी, लेकिन उस प्रहार को वहां पर नाकाम किया जी आईसी फतेहपुर के गोलकीपर और अपने लंबे शॉट के जरिए बॉल को बढ़ा दिए अपने साथी खिलाड़ियों पर। 12 नंबर के जर्सी में अभी भी बॉल लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, एक खिलाड़ी को छकाया वो दूसरे खिलाड़ी को छकाने का प्रयास कर रहे हैं और काफी लंबा रन अप वहां पर, देखते कहां तक इस बॉल का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन वहां पर बॉल बेकार गई। एन वस्त्रालय टेक्सटाइल ग्रुप उनके द्वारा उद्घोषक के लिए बम्पर पुरस्कार है, साथ ही साथ जो भी टीम फाइनल पहुंचती है उन दोनों टीम को बॉल दिया जाएगा, साथ ही साथ JSC को भी बॉल दिया जाएगा और उसके अगर LIC की जो भी समस्या हो उनके संपर्क कर सकते हैं, साथ ही साथ SSB डिजिटल सेवा केंद्र एवं साइबर कैफे सह कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर इसके डायरेक्टर हैं शिवेश श्रीवास्तव और डॉक्टर ध्रुव जो कि पशु सेवा केंद्र ममलखा हाई स्कूल चौक उद्घोषक के लिए पुरस्कार दिया गया है। साथ ही साथ भी प्राइज़ है सन्नी कुमार वार्ड नंबर 2 के शंकरपुर निवासी उनके द्वारा भी प्राइज़ है, साथ ही साथ सोनी देवी पा समिति सदस्य उनके द्वारा उनके पति पप्पू मंडल जी के द्वारा 15 जो कि जिला परिषद जयप्रकाश मंडल जी के द्वारा 5000 का जो कमेटी को सहयोग दिया है, तमाम सहयोगीकर्ता को मैं दिल से हृदय की गहराई से बारंबार नमन करता हूं, आपकी सहयोग से जो ये टूर्नामेंट का 4 चांद लगा है। मिथुन जी जी हाँ बिल्कुल मल्होत्रा जी, मैं बता दूं यहाँ पर प्राइज की अंबार सी लगी रहती है चाहे वह किसी, इस बीच वहाँ पर बॉल लेकर प्रहार करने का प्रयास और यहाँ पर गोल जी वैसी फतेहपुर के द्वारा पहला गोल किया गया, काफी शानदार मैदानी गोल यहाँ पर उजले रंग की लिबास में जो देख रहे हैं यह, जबकि पीले की रंग की लिबास में जो देख रहे हैं यह NYC शंकरपुर की टीम है और दोनों ही टीमें काफी जानी पहचानी है और यहाँ पे थोड़ा सा खिलाड़ी इंजर्ड हुआ है। मिथुन जी बहुत लाजवाब सुंदर गोल यहाँ पे, जी हाँ गोल तो बहुत सुंदर किया लेकिन थोड़ी सी वहां पर चोटिल हुए और वहां पर डॉक्टर साहब मौजूद हो चुके हैं। मिथुन जी आप जो देख रहे हैं निरंजन जो महानुभाव दूर में हैं, अगर उससे भी साफ सुथरा आपको मोबाइल में देखने को मिलेगा जो निरंजन कुमार सब्सक्राइब करेंगे मोबाइल में आपको आज का सेमीफाइनल का नज़ारा देखने के मिलेगा और बेहतरीन उनका साफ सुथरा रिकॉर्डिंग होता है और मैंने इसका अवलोकन किया, बहुत ही फैंटास्टिक और काफ़ी शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल किया कमलेश्री जी। बहुत बहुत और इस तरह फतेहपुर की टीम ने जबकि खेल में तब्दीली लानी होगी, और इस तरह लगातार वहां पर अपने अंदाज में अंदाज को बदला है शंकरपुर की टीम ने और वहां पर स्कोर के लिए जूझता हुआ और बहुत ही बेहतरीन खेल जो कि 41वां चैलेंज का फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का यह बाद आप फाइनल मुकाबला यानी कि समापन समारोह जो कि इस 41वें चैलेंज का फुटबॉल टूर्नामेंट के माँ काली के पूजनोपरांत एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है और उन्हीं के कड़ी में यह फाइनल मुकाबला समापन समारोह जो कि 2/1/24 को दिन के 3 बजे से देखेंगे इसी क्रीड़ा स्थल पर, इसलिए आप तमाम दर्शक वृंद अतिथि इस फाइनल मुकाबले के लिए सादर आमंत्रित हैं। जबकि मैं बता दूं कि आज जो ग्रुप बी का फाइनल के लिए यहां पर टीम सुरक्षित हो चुके हैं PFC पन्नूचक्की टीम, और अब तक जो आप मैच देख रहे हैं वह
जीवाईसी फतेहपुर की टीम और शंकरपुर की टीम के बीच घमासान और धमासान मैच चल रही है, और जबकि एक गोल अर्जित भी कर चुके हैं फतेहपुर के टीम ने लिए, और एक बार फिर से बॉल को धकेल दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन वहां पर शंकरपुर के खिलाड़ी नकारा और बहुत ही अच्छे खेल शांतिपूर्वक बॉल को डेवलिंग करने का प्रयास है, लेकिन कोई फायदा नहीं, जबकि यहां पर बॉल को पकड़े गए और बिल्कुल धूम धड़ाके के साथ। जबकि मैं बता दूं कि इस फाइनल मुकाबले जो कि फुटबॉल खेल के अलावे यहां पर विराट दंगल कुश्ती प्रतियोगिता किया जाता है, और आप देख सकेंगे इस कुश्ती प्रतियोगिता दिन के 1 बजे से कुश्ती प्रक्षेत्र ममलखा सवर भागलपुर धवान में विराट दंगल कुश्ती प्रतियोगिता जो कि 1/11/2024 को दिन के 1 बजे से होने जा रहा है, और जिसमें विभिन्न पहलवान अपना कौशल प्रदर्शन करेंगे। जो सुरेश पहलवान बनारस से आए हुए हैं, राजन पहलवान गोरखपुर से, अक्रम पहलवान जो कि थापा जो कि नेपाल से आए हैं, अनुज पहलवान मेरठ से आए हैं, उपेंद्र पहलवान थापा जो कि नेपाल से आए हैं, दीपक पहलवान खगड़िया से, सूरज पहलवान अयोध्या से, अनुज पहलवान दिल्ली से आए हैं, बलराम पहलवान पवन पहलवान गाजीपुर से, जबकि ईशामू बहादुर पहलवान गोविंद पहलवान ये गोरखपुर से आए हैं, फोटो पहलवान मोहनपुर गोड्डा से, अन्य पहलवान हमारे बीच पुरस्कार भी दिया जाएगा कमलेश जी। और बोले श्री गणेश मंडल जी, जबकि उपाध्यक्ष राम प्रवेश मंडल जो कि फोटो के नाम से जाने जाते हैं, इनके देखरेख और व्यवस्था के रूप में यह पहलवानी किया जाएगा। बिल्कुल कमलेश्वरी जी, साथ ही साथ वहाँ पहलवानी के साथ रामलीला का भी आयोजन होता है, और बहुत ही सुंदर अवलोकन दृश्य होगा जो कि आप 1 तारीख को देख पाएंगे। और इस बीच यहाँ सुंदर यहाँ पे सीधे गोल पीप अपने बाहों में लिया, कोई मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी को, 20 सेंटर के आसपास चलता हुआ खेल। देर से आए दर्शकों को बता दूं कि पीले रंग की जो जर्सी में आप देख रहे हैं वो शंकरपुर की टीम है, और उजले रंग की जर्सी में फतेहपुर, फतेहपुर 1-0 से बढ़त बना चुकी है। यहाँ पर शायद बॉल चली गई है, प्रहार को नाकाम साबित करते हैं और देखते हैं इस बीच यहाँ पर कीक लेने के लिए तैयार शंकरपुर, दूर से गोल पोस्ट में डालने का प्रयास कर रहा है, और यहाँ पर गोल होने की संभावना थी, लेकिन वहां पर थोड़ी दिशा नहीं दे सके शंकरपुर के खिलाड़ी, अन्यथा परिणाम कुछ हो सकता था। क्या करेंगे मिथुन जी? जी हाँ, समय बचा हुआ, बाकी खेल दोनों का अच्छा चल रहा है, कभी भी कुछ हो सकता है यह कहना मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही टीमें मजबूत और तंदुरुस्त यहाँ पर अपने खेल का प्रदर्शन करते हुए, दोनों ही टीमें जानी पहचानी इस ग्राउंड के लिए, इस क्षेत्र के लिए, और दोनों ही टीमें कई बार यहाँ पर अपना खेल का प्रदर्शन कर चुके हैं, और यहाँ पर एक बार फिर शंकरपुर के खिलाड़ी बॉल लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पर बॉल को अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पर डिफेंडर की तारीफ करनी होगी फतेहपुर की, और बॉल को क्षेत्र से अपने क्षेत्र से बाहर किया एक बार फिर से यहाँ पर 11 की जर्सी में, और यहाँ पर फतेहपुर के टीम ने अपने खिलाड़ी को, लेकिन वहाँ पर नज़दीकी मामला हो सकता था, किसी तरह वहाँ पर बॉल को बचाया डिफेंस, और बॉल को एक बार फिर से बाएं तरफ से बॉल को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है वहाँ पर शंकरपुर के खिलाड़ी ने, बहुत अच्छा सा प्रयास, और वहाँ पर नज़दीकी तेजी से थोड़ी सी वहाँ पर, और दर्शकों की भी थोड़ी सी आह, और लगातार प्रयास कर रहे शंकरपुर की टीम, धीरे धीरे वहाँ पर खेल में तब्दीली लाई है, तेजी लाई है, और एक बार फिर बढ़ा दिया बॉल, और वहां पर थोड़ी सी चुके और नजदीकी हो सकता है तेजी से, और वहां पर बॉल दागने का प्रयास किया था, अभी भी हमारी 3-3 खिलाड़ी मौजूद हो चुके हैं डीरिया के आसपास, और बिल्कुल नजदीकी मामला, लेकिन चुके वहां पर होशियारी के साथ गोल कीपर ने बॉल को समेटा, वरना यह नेट में तब्दील हो जाती, लेकिन चुके, और मैं देख रहा हूँ कि, और चूंकि शंकरपुर की टीम 1 गोल से पिछड़ रही है, फतेहपुर की टीम 1 गोल अर्जित कर मजबूत स्थिति है, और वसूली के लिए वहां पर लगातार प्रयासरत हैं शंकरपुर। जिन तक मेरी पानी पहुंच रही है, और इस बीच खेल का रोमांच अपने चरम पर, आक्रमण पर फतेहपुर के खिलाड़ी, और जैसा कि आप जान रहे हैं कि फतेहपुर ने शुरुआत में ही गोल अर्जित कर लिया था, चूंकि वहां पर
गोलकीपर ने गेंद को अपने साथी के लिए उछाल दिया है, बहुत अच्छा। और इस खेल का रोमांच का पल पल का मजा हमारे साथी मिथुन जी, कमलश्री जी और नीरज मल्होत्रा जी दे रहे हैं आगे के लिए। कमलश्री जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और अच्छा सा प्रयास वहां पर एक बार किया था और काफी वहां पर चीते की तरह आकर पर। और पहले खेल में थोड़ी सी सुस्ती थी और वहां पर एक बार तेजी से एक बार फिर से आगे बढ़ने का प्रयास, थोड़ी सी माइनस पास में बॉल को वहां पर आगे बढ़ाने का प्रयास किया था लेकिन चूंकि। और इसी बीच मध्यांतर का भी सील, पहले हाफ का खेल समाप्त हो चुका है। दर्शकों से निवेदन आग्रह करूंगा कि आप मैदान में प्रवेश न करें, अपने जगह पर सुरक्षित रहें। जबकि मैं बता दूं कि हमारे जो उभरता हुआ सितारा भागलपुर का हमारे बीच मौजूद है विजय जाधव जी, ममलका की जो धरती रही है माँ शक्ति के साथ जो 41वां महाकुंभ संग्राम जी, मैं भी उनका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं क्योंकि उपता है हमारे जो कि एक। इस बीच खेल प्रारंभ, तो फतेहपुर की टीम चाहेगी कि एक और गोल करके अपना निर्णायक बढ़त बनाए और विपक्षी टीम पर दबाव बना दें ताकि वो वापसी न कर पाए। और इसमें आक्रमण पर NYC शंकरपुर की टीम जो कि स्थानीय टीम है और फतेहपुर की टीम जो जानी पहचानी टीम है और लगातार हमारे टूर्नामेंट में शिरकत करती। शंकरपुर के खिलाड़ी आक्रमण पर डी बॉक्स में डालने का प्रयास किया था लेकिन गोलकीपर ने पूरे पूर्वानुमान के साथ गेंद को सफाई से कलेक्ट किया। पासिंग का बहुत ही अभाव है और जो पासिंग होना चाहिए इसमें बहुत सुंदर, जैसा कि मैंने कहा था कि पासिंग का अभाव है लेकिन खिलाड़ियों ने अपना पासिस्ताविहीन शॉट चली गई। तो कहने का मतलब है कि खेल जो फुटबॉल है वो एक टीम वर्क है और टीम फ्रेम में रखकर खेल समर्थकों का मैं हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर इस बीच खतरा हो सकता था फतेहपुर के लिए लेकिन यहाँ पर उतने ही मुस्तैद है। और यहाँ पर एक बार फिर से बॉल लेकर अपने साथी को निहारने का प्रयास कर रहे हैं वर्षांकरपुर खिलाड़ी लेकिन उतने ही मुस्तैद वहां पर फतेहपुर की टीम बॉल को अपने कब्जे से बाहर किया। और एक बार फिर से वहां पर लंबे शॉट के जरिए अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन वहां पर डिफेंडर शंकरपुर की बॉल के बॉल को धीरे धीरे अपने क्षेत्र से बाहर करते हुए और यहाँ लंबे शॉट के जरिए अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ा दिया। देखते कहां तक फायदा उठा पाते यहाँ पर शंकरपुर की टीम वहां पर काफी लंबा। जी हाँ मल्होत्रा जी, मैं एक बार फिर से अनुप घोष जी का स्वागत करना चाहूंगा इस ज्वाइंट स्पोर्ट क्लब ममलखा की ओर से जो लगातार हमारे बीच उपस्थित रहते हैं। वो भागलपुर फुटबॉल एसोसिएशन के सदस्य हैं और लगातार हमारे बीच उपलब्ध रहते हैं और हम लोगों के सहयोग भी प्रदान करते हैं। तो जहां तक बात है किंग भट्टा की बात, वो लगातार हमारे इस टूर्नामेंट में चौधरी जी और यहाँ पर लंबे शॉट के जरिए बॉल को बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए लेकिन वहां पर उतने ही चौकन्ने शंकरपुर के डिफेंडर बॉल को पुनः हुआ पलटवार कर सकते हैं लेकिन एक बार फिर से वहां पर फतेहपुर की तरफ से बॉल को आगे बढ़ाने का प्रयास काफी तेजी से 10 नंबर के जर्सी में काफी एडवांस बॉल और बनने की मामला हो सकता है और थोड़ी सी चुके काफी बार तेज गति से बॉल को खींच करके लाया था वहां मैदान से, शायद उनके बॉल और उनके टेक्निक को नहीं समझ पाते हैं और छीने जाते हैं और बहुत तेजी से। अभी बात कर रहे थे महादेव कि सबका समय होता है, जब समय का चक्र चलता है आप देखेंगे क्रिकेट की दुनिया में वही बल्लेबाज दोहरा तेरा शतक लगाते हैं, वही बल्लेबाज 11 के 11 खिलाड़ी 50 रन पे ऑल आउट हो जाते हैं। देर से आए दर्शकों को बता दूं कि आप जो कि उजले रंग की लिबास में देख रहे हैं गांधी युवा क्लब फतेहपुर की टीम जो कि 1-0 से बढ़त बनाई, पहले हाफ के 5वें मिनट में गोल किया था यहाँ पे और सुंदर यहाँ पे नजारा पेश करते हुए खिलाड़ी सुंदर ब्रिलियंट लाजवाब प्रदर्शन किया है लेकिन सफलता फतेहपुर को मिली है। यहाँ पे मौका है शंकरपुर को लेकिन यहाँ पे शायद ऑफ साइड करार दिया गया है। यहाँ पे इस तरह की गलतियां नहीं करनी होगी अगर खेल में वापसी करनी है शंकरपुर को तो।
और आप लोग जो चर्चा कर रहे थे अभी खेल फुटबॉल है, तो मैं यही कहूंगा यह खेल संघर्ष का रास्ता और यह चलता ही रहता है और वही खिलाड़ी इतिहास बदलता है जो हार के जीत में बदलता है। मौका है शंकरपुर को और ब्रिलियंट लाजवाब यहाँ पे और बेहतर पे बिल्कुल बिल्कुल काबिले तारीफ करूं फतेहपुर 2-0 से बढ़त बना चुकी है, लेकिन बार बार उनको सफलता नहीं मिल पाई है क्योंकि आज पहले भी बता चुका शंकरपुर में स्टार खिलाड़ी से सजा हुआ है लेकिन सफलता यहां फतेहपुर को मिल पाई है 2-0 की बढ़त बना चुकी है। लगातार प्रयासरत है और बॉल को पुनः एक बार फिर से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है शंकरपुर में, थोड़ी सी माइनस पास लिया है 7 रुपए के जर्सी में, काफी तेजी से बॉल और बेकार सी और शायद उनके भाषक भी यहाँ पर काफी चुस्त तंदुरुस्त अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए और इस बीच यहाँ पर स्पीच सेंटर में खेल चलता हुआ लंबे शॉट के जरिए दूर से ही अपने साथी को पास बढ़ाना चाहते लेकिन वहां पर उतने ही चौकन्ने शंकरपुर के डिफेंडर। आज के सेमीफाइनल मैच शंकरपुर बनाम फतेहपुर है। ये ग्राउंड पहले भी मैं इस ग्राउंड पे आ चुका हूँ मैच में, बहुत ही यहाँ पे अच्छा खेल का प्रदर्शन होता है। मामलखा एक अलग रूप जाना जाता है पूरे भागलपुर में, मामलखा का जो है एक पहचान है फुटबॉल के लिए। आज ये सेमीफाइनल का मुकाबला, ये दूसरा सेमीफाइनल है, पहला सेमीफाइनल हो चुका है और इस सेमीफाइनल में भी दोनों टीम बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई टीम कम नहीं है। टीम वर्क सबसे बेहतरीन होता है और यहाँ पे फतेहपुर की टीम ने अपना टीम वर्क दिखाया है और अच्छा प्रदर्शन से आगे अग्रसर है। फतेहपुर की टीम फाइनल पहुंच चुकी है 2 गोल से बढ़त बना के, तो तमाम खेल प्रेमी दर्शक महानुभाव अतिथियों आमंत्रण जो कि 2 तारीख को महाकुंभ के साथ महाशक्ति के साथ 41वां महामुकाबला फाइनल में सादर।